हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे फिर से एक और न्यू हरिद्वार सीरीज के एपिसोड नंबर 3 पे। तो दोस्तों, आपने एपिसोड नंबर 1 पे देख लिया हम हरिद्वार कैसे आए, दूसरे एपिसोड में देख लिया हमने गंगा घाट पे जाके स्नान किया, और तीसरे एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओ यार, आ जाओ यार, रेडी कितना हो गए तुम लोग? यार लोग कितना ही टाइम लेते रेडी होने के लिए, हमारा कुछ नहीं है। ओ जल्दी आओ यार, करने वाले हैं सिर्फ मनसा देवी टेम्पल के लिए। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है आपको दिख रही होगी, मैं दिखाता हूँ। ये देखो मेरे पीछे आपको दिख रही है टेम्पल, जो सबसे ऊपर माउंटेन पे वो है मनसा देवी टेम्पल, और हमें वहाँ जाना है हर की पौड़ी से। हमारे यहाँ से होटल से 1.9 किलोमीटर दूर है। तो यार, और वहाँ पहुँच के बाद वो मनसा देवी टेम्पल, और हम इतना चढ़ के जाएंगे, सबर कर ले, आगे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से 1.9 किलोमीटर मेरे सामने दिख रही है, वहाँ से भाई मेरी पतंग भी उड़ रही है वहाँ पे रोपवे। दोस्तों मैं ट्राई करूंगा पहले जाने का ऊपर, फिर आने के टाइम मैं रोपवे सोचूंगा। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं ऐसी नॉर्मली वॉक करके नीचे उतर जाऊंगा, नहीं तो रोपे का क्या ही करूंगा, क्योंकि ऊपर चले जाऊंगा तो पूरी हरिद्वार मेरे को में भी दिख जाएगी, क्योंकि वो हाईएस्ट तो नहीं है, क्योंकि उसके जस्ट राइट साइड में दोस्तों आप देख ही सकते हैं, इधर देखो दोस्तों, ये सबसे ऊंची वाली है, वो थोड़ी सी नीचे लग रही है, बट कोई ना, ऊपर जाके देखते हैं। क्या ही सुंदर यार लग रही है इस साइड, यार क्या ही सुंदर लग रही है माउंटेन्स भाई। मैं ये होटल जरूर आपको करूंगा, और ऊपर वाला यार रूम लेना, बहुत सुंदर है। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम लोग रोड पे, और चलते हैं मनसा देवी टेम्पल। बोलो मनसा माई की जय। तो दोस्तों हम आ चुके हैं रोड पे, और हम तीन निकल चुके हैं मनसा देवी टेम्पल के लिए। तो दोस्तों, जिस होटल से हमने निकला था, उस होटल से हमारी माँ मनसा देवी की टेम्पल की पैदल जो रास्ता है वहाँ पे जाने के लिए, पैदल जहाँ से स्टार्ट होती है टेम्पल के लिए 5 किलोमीटर चढ़ाई करने के लिए, वहाँ से हमारे से सीधा स्ट्रेट है, 900 मीटर्स है। तो हम लोग वहाँ जा रहे तीनों, और बहुत बढ़िया है यार, यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छी मार्केट भी लगी हुई, देख सकते हैं आप लोग चारों तरफ आपको सारी कुछ मिल जाएगी। आपको मंदिर के जाने के रास्ते में चारों तरफ मार्केट्स मिल जाएगी, दुकानें मिल जाएगी, जैकेट्स की, खाने पीने की, ब्रांडेड शोरूम्स, ये पूजा की सारी तस्वीरें मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगी यहाँ पे आपको, रेस्टोरेंट मिल जाएगी, फास्ट फूड मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगी। ये देखो विंटर की यहाँ पे सारी कुछ है रखी हुई, ये देखो अभी भी विंटर पे है। यहाँ पे बहुत सारी होटल्स आपको रास्ते पे मिल जाएगी, बट अपनी लोकेशन चूज़ करके और देख के लेना कि सिटी सेंटर पे लोगे तो आपकी फ़ायदा होगी, क्योंकि आप जैसे हमने लिया तो हमारे 900 मीटर्स कुछ नहीं होती है यार, ये तो आप कहीं भी बाहर जाओगे तो वॉकिंग डिस्टेंस को इतना तो वॉक करोगे तब ना मार्केट ही घूमोगे। तो ये देख सकते हो मार्केट बहुत अच्छा है, ये हाफ स्वेटर्स दोस्तों, यहाँ पे सारी यूटेंटल्स की चीज़ें मिल रही है। अंकल पूरे मूड पे गाने सुन रहे हैं यार, मेरी कॉपीराइट ना आ जाए। ये देखो, ये तो बहुत बड़ी होटल ढाबा टाइप की लग रही है, अम्बा इंटरनेशनल ट्रैवल्स है ब्रो, इंटरनेशनल वाले लोग लगता है यहाँ खाते हैं, हमारी एंट्री नहीं होगी। ये कुछ ऐसा मार्केट है, ठीक ठाक भीड़ है यार, क्योंकि अभी थोड़ा ऑफ सीज़न है, अभी वीकेंड्स पे जो आए होंगे। ये देखो होटल्स है, रास्ते पे ही आपको होटल्स मिल जाएगी। ये गुड पतंग मिल रही है यार, आई लव पतंग यार, जिस तरीके का मार्केट है। ठीक ठाक भीड़ है यार, ऑफ सीज़न में भी बहुत लोग है, नहीं पता हिसाब से, मेरे को लगता है ये लोग सारे लोग होटल जा रहे हैं, क्योंकि ट्रॉली लेके तो कोई करेगा ही नहीं ट्रैकिंग। तो दोस्तों 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, कोई ना, बढ़िया ट्रैकिंग है, मज़े आएंगे। हम तीन हैं, बैग ले लिया, और पूजा भी करनी है, प्रसाद भी चढ़ाने हैं, भीड़ है, पतले रास्ते हैं। ये मुझे पता है रास्ते मेरी नानी करके याद दिला रहे हैं, जो मेरे नानी करके धाम है, बाबा धाम, बैद्यनाथ धाम, तो वो ऐसी गलियों पर है उनका भी रास्ता, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के।